दोस्तों आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर को एप्पल A14 बायोनिक चिप के साथ में। दोनों प्रोसेसर बीस्ट प्रोसेसर हैं और 2020 के दो बेस्ट प्रोसेसर है भाई। एप्पल A14 बायोनिक चिप की बात करें तो आईफोन 12 वाली सीरीज में आपको देखने को मिला है, वहीं पर बात कर ले स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर की तो MI 11 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मोटो की तरफ से जी सीरीज का कोई फोन आ रहा है उसके अंदर मिलेगा। रियलमी की तरफ से एक फोन आएगा जिसमें आपको 888 मिलेगा, रेडमी के फोन में मिलेगा और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसके फोन में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 888 वाला चिपसेट। आज की वीडियो में करते भाई दोनों चिपसेट को कंपेयर और देखते भाई दोनों में से कौन सा प्रोसेसर बेटर है। फटाफट से कंपैरिजन को स्टार्ट कर लेते, लेकिन कंपैरिजन को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट अपन रखते हैं 300 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं लॉन्च डेट से। स्नैपड्रैगन 888 लॉन्च हुआ है 1 दिसंबर 2020 को, एप्पल A14 बायोनिक चिप लॉन्च हुआ है 15 सितंबर 2020 को, तो दोनों ही प्रोसेसर 2020 में लॉन्च हुए हैं, लेकिन स्नैपड्रैगन 888 एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर है। CPU और CPU क्लॉक स्पीड की अगर बात की जाए, स्नैपड्रैगन 888 के अंदर हमको ट्रिपल क्लस्टर आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको 1+3+4 की बिग लिटिल अप्रोच दी गई है। पहला जो कोर मिलता है वो मिलता है आपको हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए, जहाँ पर आपको मिलता है क्रायो 680 प्राइम CPU जो कि बेस्ड है आर्म कॉर्टेक्स X1 के ऊपर, और क्लॉक स्पीड यहाँ पर मिलती है 2.84 GHz की। 3 कोर यहाँ पर आपको मिलते हैं लो परफॉर्मेंस टास्क के लिए, जहाँ पर आपको मिलता है क्रायो 680 गोल्ड CPU जो कि बेस्ड होता है आर्म कॉर्टेक्स A78 के ऊपर, क्लॉक स्पीड यहाँ पर आपको मिलती है 2.4 GHz की। और 4 कोर मिलते हैं आपको एफिशिएंसी वाले टास्क के लिए, जहाँ पर मिलता है क्रायो 680 सिल्वर CPU जो कि बेस्ड है आर्म कॉर्टेक्स A55 के ऊपर, क्लॉक स्पीड मिलती है यहाँ पर 1.8 GHz की। एप्पल A14 बायोनिक चिप की बात करते हैं, यहाँ पर आपको डुअल क्लस्टर आर्किटेक्चर मिलता है, 2+4 की यहाँ पर आपको बिग लिटिल अप्रोच मिलती है। पहले जो दो कोर हैं वो आपको मिलते हैं हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए, और यहाँ पर मिलते हैं एप्पल के डिजाइन किए हुए फायर स्टॉर्म कोर्स जिनको क्लॉक किया गया है 2.99 GHz पर, और 4 कोर मिलते हैं आपको एफिशिएंसी वाले टास्क के लिए, जहां पर मिलते हैं आपको आई स्टॉर्म कोर्स जो कि क्लॉक किए गए हैं 1.8 GHz पर। अब भाई ऑन पेपर अगर देखा जाए तो स्नैपड्रैगन 888 बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है, क्योंकि यहां पर पहले तो आपको X1 का यूज किया गया है जो कि काफी फास्ट परफॉर्मेंस देता है, साथ ही में 3 कोर A78 वाले भी मिलते हैं। लेकिन एप्पल A14 बायोनिक चिप जो है, या एप्पल की कोई भी चिप होती है, वहां पर जब CPU की बात करते हैं तो CPU का फुल पोटेंशियल पर यूज किया जाता है एप्पल के चिपसेट के अंदर। जितनी ज्यादा पावर उनसे निकाली जा सकती है उतनी ज्यादा पावर निकाली जाती है, और अभी भी ऑन पेपर इतना फास्ट दिखने के बाद भी स्नैपड्रैगन 888 कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में CPU के मामले में एप्पल A14 बायोनिक चिप से थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। और सिंगल कोर की अगर बात करते तो एप्पल A14 बायोनिक चिप की सिंगल कोर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेटर आपको मिलेगी स्नैपड्रैगन 888 से। मल्टी कोर में आपको कहीं ना कहीं आसपास की परफॉर्मेंस मिल सकती है, तो CPU और CPU क्लॉक स्पीड के मामले में अभी भी एप्पल A14 बायोनिक चिप बेटर प्रोसेसर रहेगा। CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो दोनों ही प्रोसेसर बने हुए हैं 5 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर। स्नैपड्रैगन 888 यूज करता है सैमसंग की बनाई हुई 5 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस, एप्पल A14 बायोनिक चिप यूज करता है TSMC की 5 नैनोमीटर वाली प्रोसेस, लेकिन दोनों प्रोसेसर के साथ में आपको एनर्जी एफिशिएंसी काफी बेटर मिलने वाली है, हीटिंग का इशू भी आपको कम मिलेगा, क्योंकि ये चीज आपको पता है भाई कि फैब्रिकेशन प्रोसेस जितनी कम रहेगी हीट उतना कम होगा प्रोसेसर, और उतनी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी यहां पर आपको मिलेगी। CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में दोनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। CPU आर्किटेक्चर एंड कोर्स की अगर बात करें, स्नैपड्रैगन 888 64 बिट का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, यानी कि यहाँ पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए 8 कोर मिलते हैं। एप्पल A14 बायोनिक चिप 64 बिट का हेक्सा कोर प्रोसेसर है, यहाँ पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए 6 कोर मिलते हैं। GPU यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें, स्नैपड्रैगन 888 के साथ में मिलता है आपको क्वालकॉम एड्रेनो 660 GPU जो कि 5 नैनोमीटर पर बना हुआ GPU है। हालांकि इसको क्लॉक कितने पर किया गया है ये चीज क्वालकॉम की तरफ से नहीं बताई गई है, लेकिन परफॉर्मेंस में आपको 30% या 35% का बूस्ट यहां पर मिलने वाला है 865 प्लस के कंपैरिजन में, जहां पर आपको एड्रेनो 650 GPU मिलता है। एप्पल A14 बायोनिक चिप की अगर बात करते हैं तो यहां पर एप्पल का खुद का डिजाइन किया हुआ क्वाड कोर GPU आपको मिलता है, जो कि अगेन इसके जो पिछले जनरेशन वाला एप्पल A13 बायोनिक चिप का GPU था उससे तकरीबन
करीबन 25-30% आपको बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देगा। और ये चीज आपको पता है भाई कि एप्पल A13 का जो जीपीयू था वो 865 प्लस के जीपीयू से थोड़ा सा बेटर था। वहां पर स्कोर डिफरेंस आपको 4 पॉइंट का देखने को मिलता था। 865 का जो 650 जीपीयू था उसका स्कोर आता है 122 के आसपास और A13 वाले जीपीयू का स्कोर आया था 126 के आसपास। यहां पर 660 और एप्पल का जो क्वाड कोर जीपीयू है A14 वाला, यहां पर भी आपको थोड़ा सा ऐसे ही डिफरेंस देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है ये डिफरेंस गैप थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन अभी भी एप्पल A14 बायोनिक चिप का जीपीयू थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करने वाला है। रैम सपोर्ट की अगर बात करें, स्नैपड्रैगन 888 के साथ में आपको क्वाड चैनल LPDDR5 रैम तक का सपोर्ट मिलता है। अगर LPDDR5 रैम यूज की जाती है तो 2750 मेगाहर्ट्ज की रैम फ्रीक्वेंसी मिलती है। LPDDR4X रैम अगर यूज की जाती है तो 2133 मेगाहर्ट्ज की आपको रैम फ्रीक्वेंसी मिलती है और रैम साइज आपको 16 GB तक का यहां पर मिल सकता है 888 प्रोसेसर के साथ में। एप्पल A14 बायोनिक चिप की रैम के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है वहां से पता पड़ता है कि प्रोसेसर के साथ में आपको LPDDR5 रैम का सपोर्ट मिलता है, डुअल चैनल LPDDR5 रैम का सपोर्ट मिलता है, 2750 मेगाहर्ट्ज़ की रैम फ्रीक्वेंसी मिलती है। रैम साइज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो iPhone 12 सीरीज है वहां पर आपको LPDDR5 रैम नहीं मिली है, वहां पर आपको LPDDR4X रैम ही मिलती है। लेकिन अगर थ्योरेटिकली अगर बात करते हैं तो रैम सपोर्ट के मामले में दोनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। स्टोरेज सपोर्ट की अगर बात करें, स्नैपड्रैगन 888 के साथ में आपको EMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 3.0 और UFS 3.1 सभी टाइप की स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है और डेटा ट्रांसफर की स्पीड यहां पर आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। जो रीड राइट की स्पीड होती है वो काफी फास्ट यहां पर आपको मिल जाएगी अगर UFS 3 वाली स्टोरेज टाइप यूज की जाती है। लेकिन एप्पल A14 बायोनिक चिप के साथ में NVMe स्टोरेज का यूज होता है जो कि UFS 3.1 से भी थोड़ी फास्ट होती है और स्टोरेज सपोर्ट के मामले में एप्पल A14 बायोनिक चिप को एक बेटर चिपसेट बनाती है। कैमरा सपोर्ट की अगर बात की जाए, स्नैपड्रैगन 888 पहला ऐसा प्रोसेसर है जहां पर आपको ट्रिपल ISP देखने के लिए मिलता है। यहां पर आपको ट्रिपल कैमरा तक का सपोर्ट मिलता है जहां पर अगर तीन कैमरा यूज किए जाते हैं तो 28+28+28 मेगापिक्सल के तीन कैमरा यूज किए जा सकते हैं। 64 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सपोर्ट मिलता है और सिंगल कैमरा आपको 84 मेगापिक्सल तक का मिल सकता है, 84 मेगापिक्सल तक का। और इन तीनों कैमरा सेटअप के साथ में आपको MFNR और ZSL दोनों का सपोर्ट मिलता है, जहां पर MFNR का मतलब होता है मल्टी फ्रेम नॉइस रिडक्शन, ZSL का फुल फॉर्म होता है जीरो शटर लैग, और जो मैक्सिमम कैमरा साइज है वो यहां पर आपको मिलता है 200 मेगापिक्सल तक का। एप्पल A14 बायोनिक चिप की अगर बात करें तो 12 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा और 12+12 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप ही आपको देखने के लिए मिल सकता है। और ये जानकारी भी भाई एप्पल की तरफ से नहीं दी गई है, ये कुछ सोर्सेस हैं जहां से मेरे को ये जानकारी पता पड़ी है। एप्पल की तरफ से तो कैमरा सपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। कैमरा सपोर्ट के मामले में क्लियरली स्नैपड्रैगन 888 बेटर प्रोसेसर है। वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन की अगर बात की जाए, स्नैपड्रैगन 888 के साथ में आपको मैक्सिमम 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। 4320 पिक्सल्स वाले 8K वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर, 2160 पिक्सल्स वाले 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 120 FPS पर, जहां पर आपको HDR का सपोर्ट मिलता है, 1080 पिक्सल्स वाले फुल HD प्लस वीडियो 240 FPS तक, और 720 पिक्सल्स वाले HD प्लस वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 960 FPS पर, जिनको आप सुपर स्लो मोशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एप्पल A14 बायोनिक चिप की अगर बात करें तो यहां पर आपको मैक्सिमम 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, 4K HDR वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 60 FPS पर। वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन के मामले में स्नैपड्रैगन 888 बेटर प्रोसेसर है। डिस्प्ले सपोर्ट की अगर बात करें, स्नैपड्रैगन 888 के साथ में आपको 4K डिस्प्ले तक का सपोर्ट मिलता है। अगर 4K डिस्प्ले यूज किया जाता है, रिजोल्यूशन आपको मिलता है 2160x3840 पिक्सल्स का और यहां पर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। लेकिन अगर QHD प्लस डिस्प्ले अगर यूज किया जाता है, रिजोल्यूशन आपको मिलता है 1440x3360 पिक्सल्स का और रिफ्रेश रेट यहां पर आपको मिल जाता है 144Hz तक का। एप्पल A14 बायोनिक चिप के साथ में भी आपको 4K HDR डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, जहां पर रिजोल्यूशन आपको मिलता है 2160x3840 पिक्सल्स का, लेकिन यहां पर आपको हायर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो रिजोल्यूशन के मामले में तो दोनों प्रोसेसर एक जैसे हैं, लेकिन रिफ्रेश रेट सपोर्ट आपको बेटर मिलता है स्नैपड्रैगन 888 के साथ में, इसलिए डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में 888 बेटर प्रोसेसर है। नेटवर्क मॉडेम की अगर बात करें तो दोनों प्रोसेसर के साथ में आपको 5G मॉडेम मिलते हैं। स्नैपड्रैगन 888 की अगर बात करते हैं तो यहां पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X60 मॉडेम मिलता है, जो कि एक 5G मॉडेम है। डाउनलोड स्पीड यहां पर आपको मिलती है 7.5 GBPS की, अपलोड स्पीड मिलती है 3.0 GBPS की। एप्पल A14 बायोनिक चिप के साथ में भी आपको क्वालकॉम का ही मॉडेम मिलता है। यहां पर आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X55 5G मॉडेम, जो कि डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड तो आपको सेम देता है, 7.5 GBPS की डाउनलोड स्पीड मिलती है।
3GBPS की आपको अपलोड स्पीड मिलती है, लेकिन दोनों मॉडेम के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो X60 मॉडेम है स्नैपड्रैगन 888 के साथ में, वहाँ पर आपको 5G करियर एग्रीगेशन का ऑप्शन मिलता है और इसी के साथ में कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो LTE मॉडेम या नेटवर्क मॉडेम के बारे में अगर बात करेंगे तो स्नैपड्रैगन 888 बेटर प्रोसेसर है। एंटीडूस स्कोर्स की अगर बात करें, स्नैपड्रैगन 888 का जो अप्रॉक्सीमेटली स्कोर जाने वाला है वो जाने वाला है लगभग 880,000 पॉइंट के आसपास, और 880,000 बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होते भाई। परफॉर्मेंस आपको बहुत ज़्यादा बेटर यहाँ पर मिलने वाली है स्नैपड्रैगन 888 के साथ में। एप्पल A14 बायोनिक चिप की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्कोर मिलता है वो मिलता है 572,333 पॉइंट। तो एंटीडू के हिसाब से स्नैपड्रैगन 888 बेटर प्रोसेसर है। लास्ट में बात करते हैं Geekbench स्कोर्स की। स्नैपड्रैगन 888 को सिंगल कोर में मिले हैं 1,135 पॉइंट, एप्पल A14 बायोनिक चिप को मिले हैं 1,578 पॉइंट, लगभग 400 पॉइंट का यहां पर आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। मल्टी कोर की बात करते हैं तो 888 को मिले हैं 3,681 पॉइंट और मल्टी कोर में एप्पल A14 बायोनिक चिप को मिले हैं 3,831 पॉइंट। तो मल्टी कोर में तो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन सिंगल कोर में जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और Geekbench के हिसाब से एप्पल A14 बायोनिक चिप बेटर प्रोसेसर है। तो भाई ये था कंपैरिजन एप्पल A14 बायोनिक चिप का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ में। CPU से स्टार्ट करते हैं। स्नैपड्रैगन 888 का CPU बहुत पावरफुल है, X1 कोर का यूज किया गया है, 3 A78 वाले मिलते हैं, क्लॉक स्पीड अच्छी मिलती है, लेकिन एप्पल का जो CPU है भाई वो नेक्स्ट लेवल CPU है। वहां पर परफॉर्मेंस आपको स्नैपड्रैगन 888 से भी बेटर मिलने वाली है। तो CPU के मामले में एप्पल A14 बायोनिक चिप बेटर प्रोसेसर है, GPU के मामले में भी एप्पल A14 थोड़ा सा बेटर है। 19-20 का फर्क आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन एप्पल A14 बायोनिक चिप का GPU थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर सकता है। बात करेंगे फैब्रिकेशन प्रोसेस की, तो दोनों ही प्रोसेसर 5 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बने हुए हैं। मॉडेम की बात करते हैं तो वो आपको स्नैपड्रैगन 888 के अंदर बेटर मिलता है। डाउनलोड अपलोड आपको दोनों में सेम मिलती है, लेकिन 5G करियर एग्रीगेशन के ऑप्शन जो है वो आपको एप्पल A14 के साथ में नहीं मिलते हैं, वो आपको स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ में मिलते हैं। 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको 888 के साथ में मिलता है। साथ ही में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको 888 प्रोसेसर के साथ में मिलती है, एप्पल A14 के साथ में नहीं मिलती है, लेकिन CPU और GPU की जो परफॉर्मेंस है वो एप्पल A14 के अंदर आपको बेटर मिलती है। लेकिन ओवरऑल बैटल की अगर अल्टीमेट विनर की बात करें, एंटीडू स्कोर्स आपने देख लिए भाई, एंटीडू स्कोर्स में लगभग 3 लाख का डिफरेंस है। स्नैपड्रैगन 888 से बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। तो यहाँ पर ये डिसाइड करना कि दोनों में से कौन सा चिपसेट बेटर होने वाला है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है भाई। ये तो वही बात हो गई, रोनाल्डो और मेसी में से कौन बेटर है, या विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर में से कौन बेटर है। आप मेरे को कमेंट करके बताओ भाई, आपके हिसाब से स्नैपड्रैगन 888 और एप्पल A14 बायोनिक चिप में से कौन सा प्रोसेसर बेटर है। मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि एप्पल A14 बायोनिक चिप अभी भी थोड़ा सा आगे है। आप मेरे को कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।